कुरान शरीफ सिखाने के लिए हमारे गांव के जो मौलाना थे वो आते थे। वो वैसे ट्रेडिशनल मौलाना नहीं थे, लेकिन वो बहुत जिसको हम कहेंगे कि मजहब के बारे में जानकारी रखने वाले थे, और उनको अरेबिक भी आता था, तो वो कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे। तो मुझे आज तक वो हमेशा जिंदगी भर जो याद रहेगा वो कि उन्होंने शुरू करने से पहले मुझे ये कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये पहले मेरे बचपन में मैंने किन से सुना, तो जो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे उन मौलाना से सुना। तो ये जो है कि हम सब जो है इंसान है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, पूरा सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें संस्कारों में तो सिखाई जाती थी कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी गलत है, गुनाह है ऐसे। तो उस तरह से अहिंसा जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये मजहब के नाम से भी कहा जाता था, और ये गांव में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि एक मजहब के लोग तो नहीं थे गांव में, अलग अलग मजहब के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, तो इसमें एक दूसरे के प्रति बर्ताव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हमको परिवार से मिला, अहिंसा के बारे में जो है कि अहिंसा का पहला मूल्य जो मिला वो इस तरह से मिला, फिर वो मजहब से मिला, परिवार से मिला, और गांव में लोगों के साथ रहते थे उनसे मिला। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह से। क्या था गांधी में ऐसा कि जो 700 घरों के गांव में, जिसमें सिर्फ 700 घरों की बस्ती है, ऐसे गांव में गांधी पहुंच गया था, जिस गांव का नाम भी किसी को नहीं पता था। तो ये नहीं कि मेरे पिताजी गांधीयन मूल्य लाए, इतना ही नहीं, मैं देखती थी कि मेरे गांव में सभी गांधी टोपी पहनते थे। तो ये, या मेरी दादी जो कभी गांव छोड़ के नहीं गई, तो कभी नमक हमारे हाथ से गिरता था तो वो ये कहती थी कि नमक मत गिराओ, गांधी बाबा ने उसके लिए बहुत डंडे खाए हैं। मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं थी, मेरे पिताजी ने हमें स्कूल में, लड़कियों को स्कूल में भेजा, और लड़कियों को स्कूल में भेजा उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं था, हमें मराठी मीडियम स्कूल में उन्होंने भेजा। मतलब मुझे लड़ने की ताकत कहाँ से मिली? तो मैंने देखा था मेरे पिताजी को लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ते हुए। तो एक छोटे गांव में रहने वाला किसान परिवार से आने वाला इंसान किस तरह ये क्यों वो कर सके? क्योंकि ये जो है गांधीयन मूल्य जो उन्होंने अपनाए थे, ये जो ऐसे पिक्चर बनाया जाता है ना कि वो मुस्लिम मर्दों के खिलाफ लड़ रही है, वो तो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रही है, वो मर्दों के खिलाफ तो नहीं लड़ रही। और फिर मर्द कौन होंगे? उनके ही बेटे, उनके ही भाई, उनके ही पिता। तो जब ये मारे जा रहे हैं, कोई आइसोलेशन में कैसे मांग कर सकता है कि हमें तो हमारे हक दे दो, हमें तो हमारा सब कुछ दे दो, और हमें मर्दों की कुछ पड़ी नहीं है? तो जब पूरे समाज पर, और मुस्लिम समाज पर खास तौर से, जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, तो वो उसमें ये सवाल, मुस्लिम महिलाओं का जो एजेंडा है वो पीछे चला गया है, बहुत पीछे। जैसे शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कानून, ये जो उनका एजेंडा है ये पूरे समाज के लिए है, ये पीछे चला गया। मैं मुस्लिम महिलाओं से भी मिली जगह जगह पर, दलित महिलाओं से भी मिली, आम महिलाओं से भी मिली। वो ये कहते हैं, जैसे मुस्लिम महिला के शब्दों में मैं कहूं, अगर मैंने उनको पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है, जनरल सा सवाल था, और आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है, इसमें 80% से ऊपर महिलाओं ने जवाब ये दिया कि जब दो समाज मिलजुल के रहते हैं और जब शांति रहती है तब हम खुश होते हैं। क्योंकि ये बाबरी मस्जिद के बाद वाली इसकी मैं इंटरव्यूज आपको बता रही हूँ, जब समाज लड़ते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। क्यों? अगर समाज लड़ते रहेंगे तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। हाँ, हमारे बच्चों को कल देखना है, हमारे बच्चों को खुशी देखनी है, तो हमको अमन चाहिए, हमको आपस की लड़ाइयां नहीं चाहिए। शाहीन बाग का आप अगर आंदोलन देखेंगे,
सबसे बड़ा उदाहरण है वो अहिंसात्मक सत्याग्रह का। तो ये महिलाओं ने किया। जब 92 में मुंबई में दंगे हुए तो मैं बहुत निराश होकर गांव लौट गई थी कि ये क्या हो रहा है, हम किस लिए आंदोलनों में निकले, हम किस लिए घरों को छोड़कर निकले और ये क्या हो रहा है। तो मेरी माँ जो नहीं चाहती थी कि मैं आंदोलन में जाऊं, वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए, अब घर में नहीं बैठना चाहिए। तो वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी 100 लोगों ने मारा होगा लेकिन कोई 2 जरूर ऐसे निकलेंगे कि जिन्होंने बचाया होगा, तुम उनको ढूंढो।